नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से मैथमेटिक्स में एंजॉय करेंगे। सो एंजॉयमेंट विथ मैथ्स, आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट। और इस एंजॉयमेंट में हम सीख जाएंगे टेबल्स, दैट इज इजी ट्रिक्स फॉर लर्न टेबल्स 15 to 20। तो चलिए करते हैं एंजॉयमेंट। नाउ स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द टेबल नंबर 19। तो चलिए 19 टेबल हमें लर्न करना है, तो हम किस तरह से 19 का टेबल लर्न करेंगे। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द ऑड नंबर सीरियली 1, इसके बाद में ऑड नंबर क्या आता है 3, इसके बाद में ऑड नंबर क्या आता है 5, आफ्टर दैट 7, इसके बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद क्या आता है दोस्तों 17, और 17 के बाद क्या आता है 19। वेरी गुड। और इसके बाद काउंटिंग तो आपको आता ही होगा। अगर काउंटिंग आता है तो आप रिवर्स क्रम में काउंटिंग लिखिए। यहां से स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और दोस्तों देखिए 19 का टेबल रेडी हो गया है ना, मजेदार। कैसे हो गया ये 19 बन जा 19, 19 टू जा 38, 19 थ्री जा 57, 19 फोर जा 76, 19 फाइव जा 95, 19 सिक्स जा 114, 19 सेवन जा 133, 19 एट जा 152 एंड 19 नाइन जा 171 एंड 19 टेन जा 190। तो आया ना मजा 19 के टेबल में। आपने क्या किया, ऑड नंबर लिख लिए और रिवर्स क्रम में काउंटिंग लिख दी। चलिए अब सीखते हैं दूसरा टेबल। नाउ टेबल नंबर 18। अब 18 का टेबल कैसे सीखेंगे, तो चलिए 18 का टेबल भी बहुत आसानी से आप सीखेंगे। तो चलिए कैसे सीखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 ऑड नंबर लिखेंगे। तो देखिए यहां पे आपका हुआ 1, 3, 5, 7 और 9। ये क्या है, ऑड नंबर, सीरियल से ऑड नंबर लिख दिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 5 इवन नंबर लिखेंगे। तो 9 के बाद इवन नंबर बताइए क्या होता है, 9 के बाद इवन नंबर होता है 10, 10 के बाद फिर इवन नंबर क्या होगा 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16 और 16 के बाद क्या होता है दोस्तों 18। वेरी गुड। अब आप 18 का टेबल लिख रहे हैं तो इसको दो तरीके से आप ही लिखेंगे। आप देखिए यहां पे सबसे पहले 18 का टेबल लिख रहे हैं तो यहां पे लिख देते हैं 8 और 8 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आएगा 6, 6 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आएगा 4, 4 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आएगा 2 और 2 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आएगा 0। अगर ऐसे करना आपको हार्ड लगता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहां पे लिखो 0 18 के पास और फिर लिखो 2 का टेबल, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और इसी को फिर से रिपीट कर दो तो 0 2 4 6 8। ये लीजिए दोस्तों 18 का टेबल भी रेडी हो गया। 18 बन जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 72, 90, 108। आया ना मजा दोस्तों, 18 का टेबल आपको कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं टेबल नंबर 17।
तो दोस्तों 17 का टेबल लर्न करने के लिए क्या करना है आपको, चलिए इसके भी इजी ट्रिक आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 ऑड नंबर लिखेंगे, 1, 3, 5, ये क्या है, ऑड नंबर। इसके बाद 3 हम इवन नंबर लिखेंगे, तो 3 इवन नंबर, 5 के बाद कौन सा इवन नंबर आएगा, 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, और इसके बाद हम फिर से 3 ऑड नंबर लिखेंगे, तो 10 के बाद ऑड नंबर कौन सा होता है, 11, तो हम यहां पे लिखेंगे 11, 13, 15, और अब तो खत्म ही हो गया, 17 का टेबल लिख रहे थे तो हम लास्ट में 17 लिख देंगे। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, चूंकि 17 का टेबल लिख रहे हैं तो यहां पे हम स्टार्टिंग में लिखेंगे 7, और 7 लिखने के बाद फिर हम इसमें 7 में से, और जहां पे हमने 7 लिखा और फिर कहां पे ये नंबर जो है ना, यहां पे हमने इवन नंबर लिखा था, चेंज कर दिया ऑड नंबर के बाद, यहां इवन नंबर लिखा, तो यहां पे लिखेंगे 8, ठीक है। और फिर हमने यहां पे चेंज कर दिया, यहां पे क्या लिखा था, यहां लिखेंगे 9, तो 7, 8, 9 सीरियल से लिख देंगे। और दोस्तों क्या करेंगे, इन सभी नंबर में से 3 माइनस करेंगे, तो 7 में से 3 माइनस करो तो यहां पे कितना आएगा, 4, 4 में से 3 माइनस करो तो कितना आएगा, 1, 8 में से 3 माइनस करो तो कितना आएगा, 5, और 5 में से 3 माइनस करो तो कितना आएगा, 2, 9 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 6, और 6 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 3, और 3 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 0। लो दोस्तों, ये तो आपका टेबल नंबर 17 भी रेडी हो गया। 17 वन जा 17, 17 टू जा 34, 17 थ्री जा ये 51, 17 फोर जा 68, तो पूरा का पूरा 17 का टेबल आपने याद कर लिया। पहले 3 ऑड नंबर लिखे, फिर 3 इवन नंबर लिख दिए, फिर से 3 ऑड नंबर लिख दिए, 17 का टेबल बन गया। और जहां ऑड नंबर लिखा था वहां 7 लिखा राइट हैंड पे, और जहां पे राइट इवन नंबर लिखा वहां राइट हैंड पे 8 लिख दिया, और जहां इवन नंबर खत्म हो गया ऑड शुरू हुआ वहां फिर से हमने 9 लिख दिया, 7, 8, 9 लिख दिया, सब में से 3 को माइनस कर दिया, तो ये टेबल नंबर 17 रेडी हो गया। अब दोस्तों चलते हैं टेबल नंबर 16 पर। तो देखो 16 का टेबल आप कैसे लर्न करोगे, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, पहले हम स्टार्टिंग में यहां पे लिखेंगे ऑड नंबर, कितने ऑड नंबर लिखेंगे, केवल 2 ऑड नंबर लिखेंगे, 1 और 3 ऑड नंबर हो गए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 3 इवन नंबर लिखेंगे, तो 3 के बाद इवन नंबर कौन सा होता है बता दीजिए हमको, 3 के बाद इवन नंबर होता है 4, और 4 के बाद इवन नंबर क्या आएगा, 6, 6 के बाद इवन नंबर क्या आएगा, 8, और 8 के बाद अब हम फिर से 2 ऑड नंबर लिखेंगे, तो 8 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा, 9, और 9 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा, 11, 11 के बाद अब हम फिर से क्या करेंगे, इवन नंबर लिखेंगे, तो 11 के बाद इवन नंबर क्या आता है, 12, 12 के बाद इवन नंबर क्या आएगा, 14, और 14 के बाद इवन नंबर क्या आएगा, 16। तो हमने यहां पे क्या किया, 2 ऑड 3 इवन नंबर लिख दिए, और हम टेबल नंबर कौन सा लिख रहे हैं, 16 का, तो यहां पे लिखेंगे 6, ध्यान से समझना, और जहां ऑड नंबर खत्म हो गया इवन स्टार्ट किया है वहां पे लिखेंगे 8, और यही काम फिर से करेंगे, जहां पे इवन नंबर हमने लिखा है वहां पे आपका हो जाएगा 8, और जहां फिर से हमने ऑड नंबर लिखा है वहां पे 6, और जहां पे फिर से इवन नंबर लिखा है वहां पे 8। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई, देखिए ये हमने ऑड नंबर लिखे हैं, तो ऑड नंबर के स्टार्टिंग में 6 लिख दिया, फिर ये हमने 3 इवन नंबर लिखे हैं, तो यहां पे हमने 8 लिख दिया स्टार्टिंग में, और यहां फिर से हमने इवन नंबर लिखे 2, तो
फिर से 6 लिख दिया और यहाँ पे ऑड नंबर थे ना, और यहाँ पे फिर से हमने इवन नंबर लिखे तो यहाँ 8 लिख दिया, 6 8 6 8 लिख दिया इवन और ऑड के प्लेस पर। ठीक है, अब आप समझना हम यहाँ पे सभी नंबर में से जो हमने राइट हैंड पे लिखा है 4 माइनस कर देंगे। तो 6 में से 4 माइनस करो कितना हुआ 2, 8 में से 4 माइनस करो तो कितना हुआ 4, 4 में से 4 माइनस करो कितना हुआ 0, 6 में से फिर से आप 4 माइनस करो तो कितना हुआ 2, और 8 में से 4 माइनस कर दो तो कितना हुआ 4, और 4 में से फिर से 4 माइनस कर दो तो कितना आएगा दोस्तों 0, और ये आपका टेबल नंबर 16 भी आके रेडी हो गया। 16 बन जा 16, 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48, 16 फोर जा 64, 16 फाइव जा 80 एंड 16 सिक्स जा 96, 112, 128, 144 एंड 160। तो आ रहा है ना मजा? देखिए बहुत आसान ट्रिक है मैं जो आपको बता रहा हूं। पहले हमने 2 इवन नंबर लिखे, 2 ऑड नंबर लिखे, फिर 3 इवन नंबर लिख दिए, फिर 2 ऑड नंबर लिखिए, फिर 3 इवन नंबर लिख दिए, और जहां पे ऑड लिखा था वहां 6, जहां पे इवन नंबर लिखा वहां 8, और जहां पे फिर से ऑड नंबर स्टार्ट किया वहां 6, और जहां पे फिर से इवन नंबर लिखा वहां पे 8 कर दिया, और सब में से 4 को माइनस कर दिया, तो वो आपका टेबल हो गया 16 का। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे टेबल नंबर 15। तो टेबल नंबर 15 को कैसे लर्न करोगे, इसके लिए भी हम आपके लिए आसान ट्रिक ही लेके आए हैं। अब आप क्या करोगे, यहां पे सबसे पहले आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, 2 ऑड नंबर लिखोगे, 1 और 3, ये ऑड नंबर लिख दिए, अब 2 ही इवन नंबर लिख दो, तो 3 के बाद इवन नंबर कौन सा होगा 4 और 6, इसके बाद फिर से 2 इवन नंबर लिख दो तो 6 के बाद इवन क्या आएगा 7 और 9, और इसके बाद फिर से आप इवन नंबर लिख दो तो 9 के बाद इवन क्या आएगा, 9 के बाद इवन होगा 10, और 2 ही लिखने हैं 12, और फिर से इवन नंबर लिख दो तो 12 के बाद ऑड नंबर लिखना है, ऑड नंबर क्या आएगा 12 के बाद 13 और 15। तो यहां पे क्या क्या करना है, 2 ऑड नंबर, फिर 2 इवन नंबर, फिर 2 ऑड नंबर, फिर 2 इवन नंबर, इसके बाद फिर से 2 ऑड नंबर, मींस 2 2 ही लिखना है, 2 ऑड 2 इवन, 2 ऑड 2 इवन करके। ठीक है, अब आप कौन सा टेबल लिख रहे थे 15 का, तो आप 15 का टेबल लिख रहे हैं तो यहां पे तो 5 लिख दो तो 15 हो जाएगा ना, 1 और 5 15, इसके बाद 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर से 0, फिर 5 और फिर से 0, फिर 5 और फिर से 0, लीजिए आपका 15 का टेबल भी रेडी हो गया। 15 बन जा 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 और 150। ठीक है दोस्तों, मजा आ गया ना? चलिए अब हम आपको सिखा टेबल नंबर 20। तो दोस्तों बहुत आसान है, आप क्या करेंगे सारे के सारे ऑड नंबर लिख दो, सॉरी 20 का टेबल तो बहुत आसान है, इसमें क्या करेंगे सभी आप इवन नंबर लिख दो, या तो फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि 2 का टेबल लिख दो। तो देखो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा कितना होता है 18, और 2 10 जा 20, और राइट हैंड में तो सब पे 0 लिख दो, 0 लिखना तो आता ही है ना सबको। तो देखिए ये आपका हो गया 20 का टेबल, आया ना मजा? तो डियर थैंक यू फॉर लर्निंग दीज टेबल्स।